बड़ा एक तवील सफर करके यहाँ तक पहुँचे हैं और माशाल्लाह यहाँ तो बहार लगी हुई है। क्या बात है, जहाँ तक नज़र जा रही है दीवाने मस्ताने परवाने तशरीफ फरमा हैं। ये महफिल जो कि ज़ेर सदारत पीर तरीक़त करादर शरीयत पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब बुखारी अल हुसैन आस्ताना अली पीर बुखारी दीदियान शरीफ रबी स्टेट की जीनत हैं। क़िबला पीर तरीक़त करादर शरीयत क़िबला पीर सैयद नौबहार शाह साहब बुखारी मदज़िल्लाहु अलैह और भी पीर सैयद महमूद अली शाह साहब बुखारी साहबजादा सैयद हमादुल हसन बुखारी साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद अल हसन बुखारी अल हुसैनी। तो ये सारे सादात कराम जो माशाल्लाह महफिल का इनेकाद भी आसाने पे ही है और सादात कराम इसका इनेकाद कर रहे हैं, ये बड़ी सादत की बात है। यकीन करें कि इतना लंबा सफ़र करके बंदा जब पहुँचे और आगे आप जैसे खिले हुए चेहरे मिल जाए तो आधी थकावट खत्म हो जाए। माशाल्लाह चांद भाई के हवाले से हुक्म से मेरी इस महफिल में हाजिरी है। मेरी दुआ है लासानी सिस्टम वालों को सबको अल्लाह और बरकतियाँ ता फरमाए। अबू बकर नक्शबंदी साहब हमारे भाई बहुत अच्छी नकावत करते हैं, आज भी की होगी और उससे पहले शाही साहब ने अपनी हाजिरी पेश की और मुबशर भट्टी साहब की के साथ वैसे मुझे बड़ी ज़्यादा मोहब्बत है, ये साफ दिल का बंदा है और देखें उन्होंने अपना वक्त भी, और ये मैंने नहीं इनको कहा, इनकी अपनी मर्जी है, ये समझते हैं हम वक्त पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचते हैं और ये तो महीना भी बारहवीं वाला है, 11 बजे का मेरा टाइम था और इन्होंने अपनी मोहब्बत से ये कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन क्योंकि जो हुजूर का सना खान है ये हमारी मोहब्बत है, हम छोटा या बड़ा कहते हैं या बहुत बड़ा नात खान है, छोटा नात खान सारे बड़े होते हैं, कोई छोटा होता ही नहीं, एड्डी वड्डी हस्ती का ना लैन वाला भी छोटा हो सकता है, तो जेडे सुनने वाले होते वो भी आम नहीं होते, सारे खास होते हैं, तो भावें पीछे खड़ा हो, साइड पे खड़ा हो, अगे बैठा हो स्टेज पे, हाँ ये फर्क सिर्फ साडा ते सैयदा दा, उन्हां दी शान आ लै लै, असी भावें जिथे भी बैठे हैं जिहड़ा हजूर दी महफिल जांदा है आम नहीं हुंदा, सारे खास है, अल्लाह सब जाना अपनी बारगाह लिए कबूल मंजूर फरमाए। माए इत्थे लंबाई कि आज सुबह अल्लाह कहना ले भी माशाल्लाह दीवाने बैठे ने और कल ही मैं एक तराना रिकॉर्ड करवाया इंशाल्लाह तुम सुनोगे एक दो दिन में, और ये पीछे 14 अगस्त से भी मैं एक पढ़िया सी, ओ बाबा जी ने बड़ा पसंद किया तो हूँ फिर भी इंशाल्लाह कल या परसों इंशाल्लाह आ जाएगा, तो वो ऐसी गल है कि वो कल मेरी या बाबा जी की गल नहीं सारे इंशाल्लाह चल एक दो दिन इंशाल्लाह गज वज के, क्योंकि लबर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, हमारे नबी से हमारा रिश्ता है।
क्या बात, बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मरने का जज्बा कल भी था। अल्लाह तो सारे सलामत रखे और ये जज्बा ये मोहब्बत किसी दे कहन ना नहीं या रसूल अल्लाह कहन वाले दे जेड़ा अंदर खून चलदा ना रगा च ओदे च आवाज आंदी रहंदी केड़ी बला लबै 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 या रसूल अल्लाह लबै 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 या रसूल अल्लाह लबै लबै अल्लाह तआला जज्बा और मोहब्बत सलामत रखे। इंशाल्लाह मैं अपने वक्त के अंदर रहने आया अपनी हाजिरी पेश करके थोड़े को इजाजत चाहूंगा और बड़ा ही मीठा बोल रहा है मिसबाई साहब के बुलाने के जिन्हें ना सिर्फ सियालकोट ही नहीं पूरी दुनिया बड़ी मोहब्बत करती है। इंशाल्लाह वो भी अपनी खूबसूरत गल्ला उन्होंने खिताब नहीं होंगे मिठिया अंदर अंदर बैठने वाली गल्ला होंगे। अल्लाह बिस्माई साहब ने सलामत रखे और इज्जत अता फरमाए। ठीक है ते और मैंने हुक्म आया कि जरा तराना मैं पढ़े 14 अगस्त से ओदे भी दो शेर ला लिए। इंशाल्लाह मैं पढ़ा दुरूद पाक सजा चुके बुलंद आवाज आवाज बुलंद आवाज सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूलल्लाह वसल्लम बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं, बचपन से ही सरकार के टुकड़ों पे पला मैं, बचपन से सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। मैं शाह मदीना पे करता हूँ जो कुछ भी
I'm